प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बंगाली टोला इलाके में कुत्ते की सबसे खूंखार नस्ल पिटबुल के हमले में बुजुर्ग महिला की मौत ने सबको झकझोर दिया है। हर कोई यही सवाल उठा रहा है कि कैसे वफादारी का पर्याय माना जाने वाला पालतू कुत्ता अपनी बुजुर्ग मालकिन को ही नोच नोच कर मार सकता है। दरअसल बंगाली टोला इलाके में रहने वाली 80 साल की महिला को उनके पालतू कुत्ते ने नोच नोच कर बुरी तरह जख्मी कर दिया था। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। ट्रामा सेंटर में इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। फिलहाल इस मामले में नगर निगम के संयुक्त निदेशक डॉक्टर अरविंद राव ने कहा कि खूनी पिटबुल डॉग को 14 दिनों की हिरासत में रखा गया है। उन्होंने कहा कि हमने कुत्ते को बरामद कर लिया है और उस खूनी डॉग को 14 दिनों की हिरासत में रखा है। इस दौरान हम डॉग के बिहेवियर का अध्ययन करेंगे, 14 दिन के व्यवहार को हम चेक करेंगे और फिर कारणों का पता लगाएंगे। उन्होंने कहा कि उसे एनिमल बर्थ कंट्रोल रूम में रखा गया है। मालिक के पास से कुत्ते रखने का लाइसेंस भी नहीं मिला है। मौके की संवेदनशीलता को देखते हुए बुधवार को लाइसेंस पेश करने की बात कहकर टीम उनके घर से लौटी। नगर निगम की टीम फिर उनके घर गई, लेकिन पड़ोसियों ने बताया कि परिवार कुत्तों को उसी घर में किराए पर रहने वाले लोगों के पास छोड़कर गंगा में पार्थिव शरीर विसर्जित करने गए हैं। डॉक्टर अरविंद राव ने कहा कि यदि मालिक कुत्तों के लिए पालतू लाइसेंस दिखाने में विफल रहता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि मंगलवार सुबह रिटायर्ड शिक्षिका सुशीला त्रिपाठी अपने घर की छत पर थी, तभी उनके पालतू पिटबुल प्रजाति के कुत्ते ने उन पर हमला कर दिया। बाद में घर की नौकरानी ने उन्हें खून से लथपथ पाया और उनके बेटे को इसकी सूचना दी। उन्होंने बताया कि महिला को पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। महिला अपने छोटे बेटे के साथ यहां रहती थी। परिवार के पास पिटबुल सहित 2 पालतू कुत्ते थे। इनमें से पिटबुल ने उन पर हमला किया था। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। सुशीला त्रिपाठी नारी शिक्षा निकेतन में शिक्षिका के तौर पर तैनात थी। घटना की खबर मिलते ही नगर निगम के अधिकारी उनके घर पर गए और हर चीज की तलाशी ली। इस दौरान उन्हें लाइसेंस भी नहीं मिला। बताया जा रहा है कि मृतक महिला ही उस कुत्ते को रोज खाना पानी देती थी।